लोग चट बिछा रहे हैं यहाँ पे रुकने के लिए, बैठेंगे सब लोग यहीं पे अपना बैग वगैरह रख के। चलो रखा। और मेरी हालत कैसी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है यार यहाँ पे। हम लोग बीती स्टेशन पे खाना खा रहे हैं, हमारी जिंदगी ऐसी ही बीती है यार। कंफर्म है का? चलिए ठीक है। हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है संतोष लाल बरगेश न्यू ब्लॉग में। और अभी हम निकल चुके हैं घर से जाने के लिए कमाने, और आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। आप देखते रहिए कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, मतलब कैसे कैसे जा रहे हैं। अभी यहाँ से डायरेक्ट निकलना है बक्सा। लाल परी आज अभी बहुत उदास है, और अंश यहाँ पर देखिए सोया हुआ है, और अमन भी यहाँ पर सोया हुआ है। अमन अमन बेटी, चल रहे हैं हम। अंश जातन कमाए जा रहे हैं यार हम। मत रो यार, रो रही है ना जाने। हम आएंगे ना, तुम नहीं खे रहोगे, फिर अभी ना करो यार। शादी के बाद शायद मतलब एक साल तक मैं गया था कमाने के लिए, फिर 5-6 साल तक नहीं गया कमाने, और अभी पहली बार जा रहा हूँ उतना दिन के बाद। और वो भी गया था तो 1 महीना सिर्फ रहता था, अभी जा रहा हूँ मैं 6 साल बाद, शादी के 6 साल बाद जा रहा हूँ कमाने के लिए, इसीलिए रो रही हूँ। एकदम पागलपन कर रही है यार, इसको रोना मना है फिर भी ये रो रही है, इसको सब कुछ पता है। हंस बेटी, हंस बेटी जातन कमाए, अमान आओ, आओ। अमान, अमान को देख लीजिए हमारे साथ, अब न जाने कब आना होगा। हुई 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 हुई। मत रहिए ना मम्मी के, नहीं परेशान करने का बाबू। लाल परी नहीं खेल रहे क्या? दारा अमन कर रहा, आंटी जिन करिए ना। आंटी जिन करिए था। पापा यहाँ पर हैं, खाना खा रहे हैं। बोला तुम, चलिए पापा का आशीर्वाद ले लिए। हाँ पापा का आशीर्वाद ले लिए, और हम घर से निकल रहे हैं यार, बहुत याद आएगा घर का। क्या कहें, देखिए हमारी बाइक यहीं पे खड़ी है, और ये बाइक लेकर जा रहे हैं बाज़ार में, छोड़ देंगे भाई दुकान पर है वहाँ पे, वहीं से गाड़ी पकड़ना है। घोड़ा तो नोचा जी जात नहीं, बाहर जा रहे हैं बाहर। चाची पूछ रहे क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर आ रही है, चल रहे हैं, लेट हो रहा है, वहाँ छूट जाएगा। अपने बाज़ार में आ चुके हैं मार्केट में, और बाइक देखिए यहाँ पे खड़ा कर दिए हम अपना, ये मेरे दुकान है माई इंटरनेट केयर, और चल रहे हैं। देखिए हमारा मार्केट व्यू, और लोग आ रहे हैं हमारे साथ जाने के लिए, देखिए कब तक आ रहे हैं। और ये बस है, इसी पर जाना है हम लोग को, निर्मल बस। खाली बस नहीं है यार, पूरा भरा हुआ है सीट एकदम। बस अभी यार बहुत देर से रुकी हुई है, हम सोच रहे थे चल गई है बस। और देखिए भैया मिलने आए हमसे घर से, गाड़ी छूट गई है जल्दी में आए मिलने के लिए। चश्मा लगा लिए, आई फ्लू नहीं होगा, बहुत इस समय चल रहा है वायरस, आई फ्लू हो जा रहा है, और हेडफोन लगा लिए हैं अलग अलग। और एक आदमी का वेट कर रहे हैं, देखिए यार ये बस कब तक जा रही है। और पापा आए हैं यहाँ पे, इनका बनवाना है इसमें। चलिए राजेश भैया, चल रहे हम लोग। देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, बैठ पाएंगे कि नहीं कोई समझ में भी नहीं आ रहा है। और बस मालिक बोल रहे हैं ऊपर चढ़ने के लिए, देखिए ऊपर चढ़ पा रहे हैं कि नहीं, क्या डिसीजन है। वहीं हमको लेकर जा रहे हैं राजू भैया, आगे हैं, बैग लटका रहे हैं वो। चलिए चलो भीतर ढुको, भीतर 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 ढुको। अरे भैया तो भीतर ढुक गया, पीछे बढ़ा जा, पीछे बढ़ा। बस का टिकट ले लिए हैं, एक आदमी का देखिए 70 रुपया है पैसा जी। कहा
देखिए बस में कितना भीड़ है, खड़ा है यार, बैठने का जगह नहीं है, टिकट ले लिए हैं, पैसा नहीं हो पाई भैया। देखिए इनके पास ज़्यादा पैसा है। रास्ते में आते आते हम लोगों को रात हो चुका है पूरा अच्छा से, और हम लोग बक्सर पहुंच चुके हैं और उतरने वाले हैं अभी। चलिए जी सर, ज्योति चौक जी यही है, ज्योति चौक नारायण बेचाला। हमारा बैग यहाँ पर है, निकाल लेते हैं हम। चलिए उतर रहे हैं हम लोग, बक्सर में उतर चुके हैं ज्योति चौक। फाइनली हम लोग बक्सर रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ का व्यू है, और हमारे सेठ जी बक्सर रेलवे स्टेशन तैयार कर चुके हैं। हम लोग आराम कर लेते हैं बैठ कर कहीं। ये वेटिंग रूम है और बगल में ही है टिकट घर। यहाँ पे देखिए टिकट का भैया वायरल हो जी तो ठीक है ना बा, क्या ना चल के चलिए तो घूम लेते हैं पहले अच्छा से, ट्रेन व्रेन देख लेते हैं क्या क्या है, प्लेटफॉर्म व्लेटफॉर्म घूम लेते हैं। हम लोग को देहात के आदमी यार प्लेटफॉर्म ही घूमने वहीं काफ़ी है, जल्दी देखने को भी नहीं मिलता है सब। देखिए प्लेटफॉर्म पे आ चुके हम लोग, यहाँ पे एक ट्रेन लगी हुई है। कुछ कपड़ा छूट गया था जिसको लेने आए थे हम लोग शॉप पे, यहाँ पे कपड़ा शॉप पे अभी चल रहे हैं हम स्टेशन पे, भैया के साथ हैं। लोग आ चुके हैं टिकट घर में टिकट लेने के लिए, और देखिए टिकट मिल पा रहा है कि नहीं, मिल ही जाएगा। यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत कम है। टिकट दे दीजिए जबलपुर के लिए। टिकट हमारा मिल चुका है यहाँ पे, देखिए जबलपुर के लिए टिकट हम लोग ले चुके हैं और पहुँचेंगे जबलपुर पहले, इसके बाद आगे बताएंगे कहाँ जा रहे हैं हम लोग। कंफर्म है का, चलिए चलिए काम करने जा रहा है जबलपुर नहीं आगे जाना। रास्ते में ही गेट पर ही मिल गए थे टीटी, उनको चेक कराना पड़ा हम लोगों का टिकट, और चलिए देखते हैं टिकट ले लिए यार, नहीं तो रास्ते हम लोग तो क्या होता, जो होता वो देखना पड़ता। सब लोग अपना टिकट चेकिंग करा कर आएंगे। बंदर यहाँ पर देखिए, देखिए हम लोग चट बिछा रहे हैं यहाँ पे रुकने के लिए, बैठेंगे सब लोग यहीं पे अपना बैग वगैरह रख के। चलो रखा, हम बैठ रहे हैं यार यहाँ पे, देखिए बैठ चुके हैं। देखिए हम लोग का खाना निकल चुका है यहाँ पे, और मेरी हालत कैसी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है यार यहाँ पे। खाएंगे खाना वाना बैठ कर, रात हो गया है अभी, समय 8:08 हो रहा है। हम लोग यहाँ पर बैठ कर खाना वाना खा रहे हैं, और यात्रीगढ़ यहाँ पे जा रहे हैं। देखिए कैसे हम लोग स्टेशन पे खाना खाते हैं, पूरी और सुहारी है और भुजिया है, खाने में बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। हमारी ज़िंदगी ऐसी ही बीतती है यार, क्योंकि भूख लग गया है बहुत ज़्यादा यार, इसलिए कोई भी खाना स्वादिष्ट लगता है। ऐसे स्टेशन पर बैठ कर और चाट बिछा कर खा रहे हैं, प्लास्टिक चपोत कर रख रहे हैं हम लोग, और जाएंगे अभी, ट्रेन आने वाली है हम लोग की, रखा है करना, मेरा बैग खाली है यार। अभी लोग चले गए हैं आगे और हम लोग भी जा रहे हैं। हम लोगों की ट्रेन आ चुकी है, देखिए यहाँ पे रुकने वाली है, और वेट कर रहे हैं हम लोग ट्रेन की। मोबाइल अच्छा से पकड़े हैं चोर के डर से। ये जनरल ना, हाँ जनरल लीजिए। चले भाई भाई पानी। रात भर मैं ऐसे ही यहाँ पर सोया हूँ, नींद तो रात भर नहीं आई है, था सब लोग बिछा कर सो रहे हैं और सीट पर अपने सो रहे हैं, जिनका है सीट, नहीं तो ऐसे ही सो रहे हैं कोई कोई। मैं चादर लाना ही भूल गया था, मुझे पता ही नहीं था यार। मैं जब सोया हुआ था तो देखिए यहाँ पे चाय गिरा दिया चाय वाले ने, जीव छनछना गया, बट उठ कर अब क्या बोले हम उसको। ऐसे ही लोग सोए हुए हैं, ऐसे ही हम भी सोए थे यहीं पर भी, अपना गमछी वो भी जो भी लाए बिछा कर सोए हुए हैं, हम यहीं पे सोए हुए थे ऐसे ही बिना कुछ बिछाए, और सभी सीट वाले लोग यहाँ पर सोए हुए हैं। यहाँ से शुरू होता है हमारा जनरल, जनरल का बोगी है ये। यहाँ पर देखिए लोग कैसे बैठे हुए हैं,
और यहाँ पर गेट पर भी बैठे हुए हैं लोग। सुबह होने वाला है अभी और यहीं पे हमारा बैग है, ये बैग हमारा है। दिन हो गया भैया और जाकर यहाँ मुँह धोवो। सुबह हो चुका है और रात भर अच्छा से हमारा बीत चुका है इस ट्रेन में और आप लोग सब कुछ देख ही लिए। और तो चलिए आज का ब्लॉग वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, जबलपुर पहुँचते हैं तो कल का ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आपको कल ब्लॉग देखने को मिलेगा कि हम जबलपुर से कहाँ जा रहे हैं। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और देखिए बैकग्राउंड कैसा दिख रहा है एकदम ब्यूटीफुल।